अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे? भाई अभी हम यहाँ नाश्ते के लिए रुक रहे हैं। आपको पता है हम सफ़र में थे, और आपने पिछले व्लॉग्स में देखा कि मैं कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से मीरपुर खास की रोड पे था, तो टंडोला यार पे मैंने आपको एक मैंगो फॉर्म का विज़िट करवाया। तो इसके बाद अब ये सुपर मदीना रेस्टोरेंट है, इस तरह हम नाश्ता करने की सोच रहे हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। नाश्ता करते बाद हम अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। हाँ भाई फरहान, कहाँ आ गए? हाँ हम लोग मीरपुर से पहले सुपर मदीना रेस्टोरेंट वहाँ पर आए हुए हैं। अब यहाँ से नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद राइस कंटिन्यू करेंगे उमरकोट के लिए। अबे भाई बताना नहीं था यार, उमरकोट जा रहे। ये क्या तुमने बता दिया? बताना नहीं था? नहीं नहीं बताना नहीं था, चल दी को चल दी को बताना नहीं था। चलो उमरकोट का बता दिया, आगे का नहीं बताना कि कहाँ जा रहे हैं। चलो अभी नाश्ता आता है तो बताते हैं क्या मंगाया है। कम खाते हैं हम सफ़र में, ज़्यादा नहीं खाना भाई, सफ़र में कम खाना चाहिए। ये हमारा नाश्ता है, हम नाश्ता कर रहे हैं। मोटा भाई को बड़ी जल्दी उठा के अपने पास चल गया। एक मुझे लग रहा है हेलमेट के नीचे अंडा छुपाया हुआ है। हेलमेट के नीचे अंडा छुपाया ना तुमने? नहीं कह रहा, मुझे लग रहा है एक और तुमने और छुपाया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया है, अब दोबारा अपनी राइड कंटिन्यू कर रहे हैं। पता नहीं कोई मसला हो गया है, वो रिपेयर कर रहे हैं कुछ, देखते हैं क्या हो गया। अल्लाह का शुक्र है हमारी बाइक सही है। मसला मसला नहीं हुआ, चेन लूज हुई थी, चेन लूज़ हो गई है भाई इनकी। भाई निकलते हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह ताला। आगे की तरफ निकलना, मोटा भाई भी तैयार हो रहा है। हाँ जी, मीरपुर खास पहुंच गए हैं। ये मीरपुर खास शहर से हम जा रहे हैं, बाईपास नहीं ले रहे। हमारे जो रूट गाइडर हैं जनाब फरहान साहब, उन्होंने कहा कि अंदर से जाएंगे, बाहर से लंबा है। अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि अंदर ट्रैफिक है बाहर ट्रैफिक नहीं है। फिर भी अब उनकी क्या प्लानिंग है हमें क्या पता। हम ये फरहान भाई और मोटा भाई, मोटा भाई ने मंड के नाश्ता कर लिया है, और उनका जो है आज तो माशाल्लाह मोटा भाई अच्छी चला रहे हैं बाइक, राइड में आगे आगे हैं भाई, बहुत कम दफ़ा पीछे। ओडमारा वाले ट्रिप में, हाँ ओडमारा के व्लॉग देखे आपने, कैसे लगे वो भी बताएं मुझे कमेंट्स में, और अब कहाँ जाऊँ वो भी बताएं। खैर हमारा ये जो है ना, ये फरहान भाई ये प्लान करते हैं। सारा बाज़ार है, इस बाज़ार का नाम जो है बल्दिया, बल्दिया मार्केट है ये, एम ए जिना रोड। ये मीरपुर खास की एम ए जिना रोड है। बड़ा रश है भाई मंडी में, मार्केट में रश है। ये देखें मीरपुर खास का लैंडमार्क है, इधर भी टिकटॉकर्स के स्टैंड मिल रहे हैं। हाँ जी, ये PTCL ऑफिस के बाहर इतनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं भाई? मेरे ख्याल से पीछे ना ये गुड्स वाले का भी ऑफिस से नज़र आ रहे हैं। किन्नू आ गए भाई, किन्नू किन्नू। ये जो भटाई स्वीट्स एंड बेकर्स,
अब हम मीरपुर खास से निकल के उमरकोट की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता भी लंबा है, 142 किलोमीटर समथिंग है। बस इंशाल्लाह ताला पार हो जाएगा जब घर से निकले तो। आप देखिए अब हम जा रहे हैं उमरकोट। उमरकोट में जो है फोर्ट है, वहाँ का विजिट करेंगे। क्या खूबसूरत लग रहा है, देखिए इधर उधर कुछ नहीं है, बीच में दो तरफ। क्या बात है भाई, अल्लाह की शान है भाई, सफ़र बहुत लंबा हो गया ये भी। देखें जी कहाँ तक जाता है ये। हमारे सिंध के बच्चे बेचारे स्कूल से वहाँ बेचारे, देखें आप, देखें हाथ में थैली है, थैली में किताबें। ये उमरकोट हम आ गए, उमर फोर्ट। हम उमरकोट के आने की वजह जो है ये है फोर्ट। ये बादशाह अकबर का जो है किला है, अकबर बादशाह का किला। चले आए, अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि कैसा ये किला है। ये इस किले की हिस्ट्री ये है कि इधर जो है बादशाह आजम अकबर इधर ही पैदा हुए थे, ये उनकी पैदाइशगाह है। तो इस वजह से इस किले की हिस्टोरिकल वैल्यू है और हिस्ट्री में इसका नाम आता है कि बादशाह अकबर, अकबर आजम इधर ही पैदा हुए थे। देखते हैं कैसा है ये किला। इस किले का नाम है उमरकोट, जो कि उमरकोट में वाकई है। आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ जो ऊपर जा रही हैं, उसके ऊपर जो है बैठने की जगह है और एक तोप है और एक झंडे लहराने के लिए डंडा लगा हुआ है बस। और ये देखें सामने बिल्डिंग टूट गई है, ये भी कुछ होगा पुराना, बहुत बुरा हाल हो रहा है इसका। बाकी ये मैदान ही नज़र आ रहा है किले के अंदर। मैं तो समझ से लाहौर का बादशाह किला है उस तरह का ये भी किला होगा। अदर वाइस मुझे तो अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, आपको भी कैमरे की आँख से दिखा रहा हूँ। यही किला है, बस चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है। सामने ये बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसपे एक पुराने ज़माने की तोप रखी है और ये आपको वाइट वाइट अंडा नज़र आ रहा है जिसपे फ्लैग वगैरह को हैंग किया जाए। ये कुछ चीज़ होगी जो आप टूट रही है। चले देखते हैं, कुछ हमें यहाँ नज़र आता है तो देखते हैं, इंजॉय करते हैं वक्त। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चलो दरक वगैरह तो लगे हुए, थोड़ा यहाँ आराम करके आगे अपनी दूसरी जो डेस्टिनेशन है उधर जाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं अभी। खैर साफ सफाई है, सफाई हुई हुई है, दरख्त हैं, छाँव में रुकते हैं थोड़ा। ये इधर इनकी हिस्ट्री लिखी है, थोड़ी पढ़ लीजिए इस उमरकोट अजायब घर के बारे में, थोड़ी हिस्ट्री लिखी है आप पढ़ें। भाई बड़ी उम्मीद से आए थे इधर उमरकोट, मगर उमरकोट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इंजॉय कर सकें। हम अभी देख कर आए अंदर, आपने देखा हर चीज़ को मिसमार किया जा रहा है और रिकंस्ट्रक्ट हो या नहीं हो पता नहीं। अब यही एक दरबार है और चार बाउंड्री है अंदर। चले भाई अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि पाकिस्तान का आखिरी स्टेशन है खोखरा पार में। साथ रहिएगा, नेक्स्ट ब्लॉक में देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।